नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो सिलेक्शन क्लासेस में। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपका जो यूपीपीसीएस की परीक्षा जो कि अगले महीने है उसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप कहीं ना कहीं अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो उसी रिवीजन में कुछ एड ऑन करने के लिए ये वीडियो है। और अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा क्वेश्चंस में कि कुछ सीज आपको मिलते हैं जिसको समुद्र बोलते हैं और आपसे पूछा जाता है क्या ये समुद्र प्रशांत महासागर में आता है या अटलांटिक महासागर में आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको महासागर के जो समुद्र हैं वो पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप उनको सही से अरेंज नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पूरे के पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट सीज हैं उनको हम लोग यहाँ पर कंपाइल किए हैं सो दैट आप एक ही वीडियो में सारी चीज़ें सीख पाओ। तो वीडियो पूरा देखना, लाइक आता पसंद आता है तो लाइक कर देना और चैनल के साथ में जुड़ जाना, बिकॉज आने वाले टाइम में और भी अच्छी जो कंटेंट्स हैं जो वीडियोज़ हैं वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। जैसे स्टैटिक जीके की यदि हम बात करेंगे, बुक्स हो गए, ऑथर्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए, वो आने वाले टाइम में सो दैट आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यदि हमको सी देखने हैं तो सबसे पहले हमको पूरे के पूरे जो ओशियन है उनके बारे में तो पता होना चाहिए कि कौन सा ओशियन कहाँ पे है। तो सबसे दोस्तों नॉर्थ में हम लोग देख पाएंगे आर्कटिक ओशियन, ठीक है, आर्कटिक महासागर। फिर दोस्तों बीच में पड़ता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे अफ्रीका है, और ये दोस्तों साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इनके बीच में दोस्तों पड़ता है अटलांटिक महासागर। जो ऊपर है वो नॉर्थ अटलांटिक हो गया और दोस्तों जो नीचे है वो साउथ अटलांटिक, लेकिन ये पूरा का पूरा ये अटलांटिक महासागर है। यदि दोस्तों हम साउथ अमेरिका के और नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में देखेंगे तो आपको पैसिफिक ओशियन मिलेगा। तो ऊपर दोस्तों नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और नीचे वाला साउथ पैसिफिक ओशियन, हालांकि इसका नाम दोस्तों पैसिफिक ओशियन ही है। तो क्योंकि दोस्तों अर्थ राउंड है तो जब ये कनेक्ट करेगी दूसरी साइड पे भी तो ये जो आपको मिलेगा दोस्तों ये भी प्रशांत महासागर मिलेगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है। फिर नीचे दोस्तों आपको इंडियन ओशियन मिलेगा, अकेला ऐसा ओशियन जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, दैट इज़ इंडियन ओशियन। फिर नीचे आपको दोस्तों सदर्न ओशियन मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओशियन है जो कि आपको पता होना चाहिए मैप में कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, उसके बाद ही दोस्तों आप जो सी हैं उनको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, और दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस उसमें जुड़ जाना सो दैट मैं वहाँ पर ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यूरोप में देखते हैं। तो यूरोप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीज हैं जो आपको कवर करने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये नॉर्वे दिखाई देता है, नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो है, यहाँ पे नॉर्वियन सी मिलेगा आपको, ठीक है। और स्वीडन और फिनलैंड के बीच में दोस्तों गल्फ ऑफ बोथनी आपको मिलेगा, और फिनलैंड के साउथ में गल्फ ऑफ फिनलैंड है। बाल्टिक सी दोस्तों, तीन कंट्रीज़ हैं जो कि बाल्टिक कंट्रीज़ बोला जाता है, कौन कौन सी है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया, ये तीनों के तीनों कंट्रीज़ को बाल्टिक देश भी बोलते हैं। तो बाल्टिक सी दोस्तों यहाँ पर मिलेगा डेनमार्क के बीच में, डेनमार्क के ईस्ट में बोल सकते हैं और स्वीडन के साउथ में बोल सकते हैं। और दोस्तों नॉर्थ सी यू कैन सी डेनमार्क के वेस्ट में पड़ेगा नॉर्थ सी। फिर दोस्तों आयरिश सी आपको मिलेगा यहाँ पे यूके और आयरलैंड के बीच में। इंग्लिश चैनल दोस्तों आप देख पाएंगे यूके और फ्रांस, और वी कैन से यहाँ पे जर्मनी के बगल में बेल्जियम और नेदरलैंड्स है। तो यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश चैनल है, पहला भारतीय व्यक्ति जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, आपको कमेंट करके नाम बताना है। यदि आप नाम बताएंगे तो यदि आप इनको, या तो दो ही तरीके, या तो आपको नाम पता हो गया तो आप खोजेंगे, दोनों ही केस में आपका फ़ायदा होगा दोस्तों। नीचे दोस्तों फ्रांस के वेस्ट में आप देख पाएंगे बे ऑफ बिस्के, ठीक है, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी दोस्तों फ्रांस के वेस्ट में पड़ती है। मेडिटेरेनियन सी दोस्तों यदि हम देखते हैं तो भूमध्य सागर, जिसमें आपको मिलेगा एक तो टायरेनियन सी इटली के साउथ में, एक दोस्तों मिलेगा यहाँ पे आयोनियन सी, एक आड्रियाटिक सी, ठीक है। तो आड्रियाटिक सी आप भी आप देख पाएंगे तो कौन कौन से देश के साथ में सीमा साझा करता है, एक तो इटली हो गया दोस्तों, आप यहाँ पर देख पाएंगे स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि हम देख पाएंगे एक यहाँ पे मिलेगा एजियन सी, ठीक है। तो एजियन सी दोस्तों टर्की और ग्रीस के बीच में पड़ता है एजियन सी। फिर है दोस्तों ब्लैक सी, हमेशा चर्चा में रहता है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी की कंट्रीज़ मैंने अलग से शॉर्ट डाले हुए हैं, तो प्लीज़ आप उस शॉर्ट को पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लो, और डेली मैं कुछ ना कुछ वहाँ पर डालता रहता हूँ जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ थी यूरोप की, और यदि आप इनको बार बार एक दो बार देखेंगे मैप में देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम एशिया को कवर करते हैं, बहुत बड़ा एशिया है। तो एशिया के यदि हम नॉर्थ से शुरू करते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ में आप देख पाएंगे दोस्तों रशिया के ऊपर बैरेंट सी, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है, बैरेंट सी। नॉर्थ में ही दोस्तों रशिया के ऊपर कारा सी देख पाएंगे, ठीक है, कारा सी। और एक दोस्तों इसी के ऊपर है लैप्टेव सी,
अक्सर दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है लैपटॉप सी, अब हमें पता ही नहीं होता लैपटॉप सी भैया है कहाँ, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों वीकेंड से आर्कटिक ओशियन का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। नॉर्वियन सी दोस्तों वही है जो अभी कनेक्ट कर रहा था यूरोप को, ठीक है। तो ये नॉर्वियन सी, तो उसी के बगल में आप देख पाएंगे उसके ईस्ट में चल रहा है बैरेंट सी पहले पड़ेगा, फिर कारा सी दोस्तों, फिर लैपटॉप सी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात पता चली गई होंगी। अब दोस्तों यदि हम रशिया के थोड़ा सा साउथ में आते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे सी ऑफ ओखोस्टक, सी ऑफ ओखोस्टक, और रशिया के जो ईस्ट में आप देख पाएंगे बैरिंग सी, ठीक है, बैरिंग सी। अलास्का पर दोस्तों, यहाँ पर जो अलास्का आपको दिख रहा है क्योंकि अर्थ राउंड है तो ये जुड़ के अलास्का में जुड़ेगा, और अलास्का पर दोस्तों कब्जा किसका है, रशिया का है, ठीक है, रशिया उसको कंट्रोल करता है। लेक बैकाल दोस्तों दुनिया की सबसे गहरी जो लेक है वो रशिया में है। और आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे सी ऑफ जापान, ठीक है, सी ऑफ जापान, या फिर इसको ईस्ट सी भी बोलते हैं, सी ऑफ जापान। तो ओखोस्टक के नीचे आपको सी ऑफ जापान देखने को मिलेगा, उसके नीचे दोस्तों आपको येलो सी मिलेगा दोस्तों, चाइना से कनेक्ट करता हुआ येलो सी, और उसके नीचे दोस्तों ईस्ट चाइना सी, और नीचे आपको मिलेगा साउथ चाइना सी। ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, ठीक है। ईस्ट चाइना सी पहले पड़ेगा, नीचे फिर दोस्तों आपको पड़ेगा साउथ चाइना सी, ठीक है। अब दोस्तों फिलीपींस के बगल में पड़ेगा आपको फिलीपींस सी, और फिलीपींस में दोस्तों एक मुख्यालय है एडीबी का, आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन से शहर में है, ठीक है। और यदि हम दोस्तों और नीचे की तरफ चलते हैं साउथ में, आपको यहाँ पे मिलेगा सुलू सी। ये दोस्तों पैसिफिक ओशियन की मैं बात कर रहा हूँ, पैसिफिक ओशियन, या फिर आप इधर से पैसिफिक ओशियन है और यहाँ से दोस्तों इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन की यदि हम इधर को इसको राइट हैंड साइड से देख रहे हैं तो ये पैसिफिक ओशियन आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो अगर हम देखेंगे तो मेजरली इसमें साउथ चाइना सी के आसपास की लोकेशन आपको याद रखनी है। और फिर दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे बांदा सी, ठीक है, यहाँ पर बांदा सी, अराफुरा सी दोस्तों, अराफुरा ये पूछा गया है सवाल यूपीएससी में, अराफुरा सी। नीचे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कोरल सी, ग्रेट बैरियर रीफ भी आपको यहाँ पे याद आना चाहिए। एक दोस्तों सेवू सी, सेवू, और एक फ्लोरेस सी, ठीक है। तो फ्लोरेस ऊपर है, नीचे दोस्तों सेरू नाम है इसका, सेवू, ठीक है, सेवू। और इंडोनेशिया के और बोर्नियो आइलैंड के बीच में जावा सी, ठीक है। तो इंडोनेशिया ने हाल ही में दोस्तों अपनी कैपिटल जकार्ता से उठा के वो बोर्नियो आइलैंड ले जा रहा है, क्या नाम है उसका, नुसंतारा नाम है, ठीक है। तो नुसंतारा आपको याद रखना है। और यहाँ पे दोस्तों पड़ता है सैलेब सी, ठीक है, सैलेब सी। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सीज थे। और यदि हम इंडियन ओशियन में एंट्री मारते हैं तो इंडियन ओशियन में आप देख पाएंगे गल्फ ऑफ थाईलैंड पड़ेगा, यहाँ पर अंडमान सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, बे ऑफ बंगाल भारत के साउथ में पड़ेगा, ठीक है। ये इंडियन ओशियन में चल रहे हैं अभी हम लोग। और कुछ आइलैंड यदि हम यहाँ पर देखेंगे, आइलैंड को बाद में ही कवर कर लेंगे। अब दोस्तों यदि हम भारत के वेस्ट में चलते हैं, ठीक है, भारत के वेस्ट में चलते हैं, भारत के पश्चिम में, तो गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ये अरेबियन सी का पार्ट में आ सकता है। गल्फ़ ऑफ अदन दोस्तों यहाँ पर फिर आपको वेस्ट में मिलेगा, पहले मिलेगा भारत से यदि हम जाएंगे तो पहले गल्फ ऑफ ओमान पड़ेगा, फिर अदन पड़ेगा, और फिर दोस्तों लाल सागर पड़ेगा जिसको रेड सी बोलते हैं। और ठीक है, पहले ओमान पड़ेगा, फिर वीकेंड से अदन पड़ेगा, फिर दोस्तों पर्शियन गल्फ पड़ेगा, फिर बाद में दोस्तों रेड सी पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, अक्सर दोस्तों सवाल यहाँ से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सीज मैंने आपको बताई इंडियन ओशियन के और पैसिफिक ओशियन के। तो फिर से एक बार यदि इनको कवर करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से एक बार इनको हाईलाइट कराता हूं दोस्तों। तो अराफुरा सी, आप अराफुरा सी दोस्तों यहां पर देख पाएंगे, और दोस्तों यहां पर सुवू सी, सुवू, सेवू, फ्लोरेस हो गया दोस्तों, जावा ऊपर मिलेगा, फिर सैलेब सी दोस्तों, सैलेब सी, और उसके नीचे बांदा सी, ठीक है, और फिर कोरल सी आपके ईस्ट में पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के, और साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी। एक और दोस्तों गल्फ याद रखनी है, गल्फ ऑफ टोनकिन, ठीक है, गल्फ ऑफ टोनकिन आप देख पाएंगे, बांग्लादेश है इधर, गल्फ ऑफ टोनकिन, ठीक है। और यदि हम दोस्तों थोड़ा सा यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे देखते हैं तो आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे अरल सी, अरल सी, ठीक है, ये अरल सी है दोस्तों जो कि बॉर्डर बनाता है किसका, एशिया का और यूरोप का। और दोस्तों फिर आपको कैस्पियन सी देखना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर दोस्तों ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी मैंने अभी भी पिछले भी डिस्कस किया था, तो ये कनेक्टेड पार्ट है। तो ब्लैक सी इधर से आएंगे, तो अगर मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ आऊँगा तो पहले ब्लैक सी, फिर कैस्पियन सी, फिर दोस्तों अरल सी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों
ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास कौन से सी हैं, तो कनेक्ट करते हुए अभी हम चलते हैं ऊपर से, तो आप देख पाएंगे। अभी मैंने आपको अराफूरा सी बताया था, अराफूरा आपको यहाँ मिलेगा। इसके नॉर्थ में ये दोस्तों तिमोर सी, ठीक है। तो तिमोर, ईस्ट तिमोर एक कंट्री है, उसकी राजधानी दिल्ली है, DILI। तो तिमोर सी वहीं के, तिमोर के साउथ में पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों टॉरेस स्ट्रेट यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो टॉरेस स्ट्रेट है पापुआ न्यू गिनुआ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, टॉरेस स्ट्रेट। ये पैसिफिक ओशन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों एक गल्फ है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में पड़ती है। यहाँ पे दोस्तों एक बे है, शार्क बे, और ये दोस्तों इंडियन ओशियन में पड़ती है, शार्क बे। यदि हम ऑस्ट्रेलिया के साउथ में चलते हैं तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और एक दोस्तों स्पेंसर गल्फ यहाँ पे देखने को मिलेगा साउथ में, ठीक है। बास स्ट्रेट दोस्तों तस्मेनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, बास स्ट्रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और तस्मेनिया के ईस्ट में तस्मन सी मिलेगा। ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सी आपको समझ में आए होंगे या देखे होंगे। तो ये कोरल सी दोस्तों वही है जो मैंने अभी। तो अब हम दोस्तों अफ्रीका को कवर करते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, और अफ्रीका के यदि हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो रेड सी पड़ेगा। रेड सी दोस्तों वही है, जब हम इंडिया से वेस्ट की तरफ आ रहे थे तो रेड सी सबसे लास्ट में पड़ा था, और उससे पहले पड़ेगा दोस्तों यदि हम जा रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो रेड सी। फिर पर्शियन गल्फ है दोस्तों, फिर आपको गल्फ ऑफ अडन यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, अदन की खाड़ी जिसको बोलते हैं। और अदन की खाड़ी के यदि हम ईस्ट में जाएंगे तो आपको गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलेगा, ठीक है। चैड लेक दोस्तों चैड में ही है, ठीक है, चैड एक कंट्री है। नीचे दोस्तों यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनिया मिलेगा आपको, गल्फ ऑफ गिनिया, ठीक है। और ये दोस्तों अटलांटिक ओशियन के पार्ट हैं, गल्फ ऑफ गिनिया वगैरह। और यदि हम और देखते हैं नीचे यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। मोजाम्बिक चैनल दोस्तों मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में दोस्तों आपको भी देखने को मिलेगा मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, मोजाम्बिक चैनल। लेक विक्टोरिया दोस्तों और लेक मलावी ये अफ्रीका में है, आपको याद रखना है लेक विक्टोरिया और लेक मलावी। विक्टोरिया से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट बात, दैट इज़ नील रिवर, आपको हमेशा याद आनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज थी दोस्तों अफ्रीका से रिलेटेड। अफ्रीका से रिलेटेड ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जो हमारा इंडोनेशिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आपको आर्कटिक ओशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बैफिन बे दोस्तों, बैफिन बे, बैफिन की खाड़ी, और दुनिया की जो सबसे बड़ी बे है हडसन बे, सॉरी गल्फ ऑफ मैक्सिको, एक मिनट। तो दुनिया की दोस्तों जो सेकंड लार्जेस्ट बे है वो हडसन बे है। भारत की जो बे ऑफ बंगाल है, जो कि भारत के इधर बंगाल के नीचे पड़ती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं। सेकंड नंबर पे हडसन बे है, यदि हम गल्फ की बात करते हैं, ठीक है, गल्फ, तो सबसे बड़ी जो गल्फ है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि बॉर्डर शेयर करती है मैक्सिको के साथ में, और इधर दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में ये दोस्तों बॉर्डर शेयर करती है। इधर दोस्तों गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आप देख पाएंगे, इधर यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि एक तरह से मैक्सिको के बीच में ही है, और यहाँ पर ये बॉर्डर नहीं बनाती दोस्तों अमेरिका के साथ में, लेकिन फिर भी इसका नाम गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। और यदि हम देखेंगे यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का, यू कैन सी अलास्का, ठीक है। तो अलास्का दोस्तों गल्फ ऑफ अलास्का, और दोस्तों फिर यहाँ पर है बैरिंग सी, ठीक है। बैरिंग सी यहाँ पे वेस्ट में है, बैरिंग सी ऊपर है दोस्तों, यहाँ पर ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी दोस्तों नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में पड़ेगा, ठीक है, या फिर यू कैन से जो कैनेडा है उसके नॉर्थ में पड़ेगा। उसके दोस्तों बाद है लैब्राडोर सी, ठीक है। तो लैब्राडोर सी ईस्ट में पड़ेगा, कनाडा के ईस्ट में, या फिर नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में पड़ेगा आपको लैब्राडोर सी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीज हैं, और ये छोटे छोटे दोस्तों ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिनको कैरेबियन आइलैंड भी बोल सकते हैं, और तो यहाँ पे पड़ता है कैरेबियन सी, ठीक है, कैरेबियन सी। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में दोस्तों कैरेबियन सी तक मैंने अभी आज जस्ट ऊपर बताया था, तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है नहीं ये, क्योंकि यहाँ पे एक सी आपको याद रखना है, स्कोशिया, स्कोशिया सी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल साउथ में पड़ता है, साउथ अमेरिका के, ठीक है। और इधर साउथ अटलांटिक सी है, और इधर दोस्तों साउथ पैसिफिक सी है इसके नीचे।
तो इस तरह से दोस्तों जितने भी हमने इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ की पूरे वर्ल्ड पे हमने कवर किया। आई होप दोस्तों आपने पूरा वीडियो एंजॉय किया होगा। यदि कोई आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए और पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों।